लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इनपुट यूनिट्स का पढ़ा था और उसकी एग्जांपल्स कुछ की थी हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम करेंगे आउटपुट यूनिट, ठीक है। डिफाइन आउटपुट यूनिट विद एग्जांपल्स के आउटपुट यूनिट क्या होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस शो द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये क्या करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, हम लोगों को प्रोसेस्ड हुई हुई इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर को वो हमें गिवन करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, डिस्प्ले यूनिट एंड प्रिंटर। इसकी एग्जांपल क्या है, ये आपकी पेज नंबर 21 पे एग्जांपल भी है, आउटपुट यूनिट दिया गया है। इसमें प्रिंटर एंड डिस्प्ले यूनिट आपको शो किया गया है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए, वट आर द फंक्शन ऑफ CPU? CPU के क्या फंक्शंस हैं ये हम लोगों ने बताने हैं। इट इज़ जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, ये एक इंसानी दिमाग की तरह है। डेट टेक्स ऑल मेजर डिसीजन, जो के तमाम के तमाम बड़े बड़े फैसले करता है। डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है, जो क्या कहते हैं, डज ऑल सोर्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड गाइड्स, जो के तमाम किस्म की कैलकुलेशन और हमें रहनुमाई करता है, तमाम किस्म की, ठीक है, रहनुमाई करता है, कहते हैं डिफरेंट पार्ट्स टू देयर जॉब्स, अपनी जो के जो भी उसकी है रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक हमारी रहनुमाई करता है, ठीक है, तमाम किस्म के फैसलों में। ये बहुत बड़े बड़े फैसले लेता है, इंसानी दिमाग की तरह काम करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ CPU ये हमने सीखा है आज, क्या बताया है कि फंक्शन ऑफ CPU क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 20 पे है कंट्रोल यूनिट। इसी तरह पेज नंबर 20 पे आपका CPU के हवाले से भी उन लोगों ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाई है। उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल यूनिट, डिफाइन कंट्रोल यूनिट द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। क्या होता है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं परफॉर्म्ड होती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द यूनिट, ठीक है, किसी भी यूनिट की सुपरविजन के दरमियान जितनी भी ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं ये क्या कहलाती हैं, कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। हमने ये आज देखा है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। इसी तरह इट डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डेटा, ये भी इस चीज़ का फैसला भी ये करता है कब मैंने रिसीविंग करना शुरू कर देना है डाटा और कब मैंने इसको स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप इट, कब स्टॉप कर देना है, वेयर टू स्टोर डाटा और किस जगह पे इसे स्टोर कर देना है, ये सब कुछ एक कंट्रोल यूनिट करता है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। ये स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग है उन तमाम ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप करता है इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर ही। ये जस्ट समझाने के लिए है, आंसर आपने जस्ट इतना ही गिवन करना है जितना आपको बोर्ड पे मैंने राइट करके दिया है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के हवाले से।